तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप लोग भी मैसेंजर चला रहे हो, आप लोग जानना चाह रहे हो कि फेसबुक मैसेंजर पे अननोन चैट होती है या फिर अननोन कोई कॉल कर रहा है तो आपको परेशान करता, उसको आप लोग किस तरीके से अननोन चैट को आप लोगों को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे परमानेंटली उसको हाइड कर सकते हो, यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सेटिंग करना चाह रहे हो तो किस तरीके से आप लोग इस सेटिंग को कर सकते हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन से आप लोगों को मैसेंजर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को फ़ोन नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग कंप्यूटर लॉग तो उससे आप लोग लॉगिन कर सकते हो, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग देख पा रहे हो कई सारे यहाँ पे चैट देखने को मिलती है, कोई भी यहाँ पे कॉल कर रहा है, ठीक है, या फिर परेशान करता है, तो आप लोग चाहते हो कि इसको यहाँ से बंद करें, यहाँ पे जो स्क्रीन पर यहाँ पे चैट पे शो ना हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेटिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है नज़र। अब आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलता है प्राइवेसी एंड सेफ्टी, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिपोर्टेड चैट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आएंगे, यहाँ पे देखने मिलता है मैसेज डिलीवर्ड, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। मैसेज डिलीवर्ड पे आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है नज़र, यहाँ पे देखने मिलता है पीपल विद योर फोन नंबर, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप और चैट पे सेट होगा, इस तरीके से चैट पे सेट होगा तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है मैसेज रिक्वेस्ट, इससे क्या होता है, इससे आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वही आपको चैट कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी आपको चैट नहीं कर सकता है, ठीक है। और आप लोग परमानेंटली कि हर किसी के चैट को रिमूव करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ से चूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ रहने देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इससे आप लोग ही जो चैट करेगा आप लोगों को उसकी तो चैट आएगी, लेकिन अननोन पर्सन की कोई भी चैट नहीं आएगी, ठीक। इस तरीके से आप सेट करेंगे, इसके बाद बैक करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पे सेटअप करेंगे। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, कोई फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स से कम संपर्क करेगा तो यहाँ से उसको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अदर ऑन मैसेज और फेसबुक, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डोंट रिसीव्ड रिक्वेस्ट है तो डोंट रिसीव ही रहने देना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद कोई भी आपकी अननोन पर्सन आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो नहीं होगा, यहाँ पे शो हो जाता है या नहीं होगा, अब उसका कहाँ शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने मिलता है मैसेज रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ पे शो होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी तरीके से आप लोग चैट यानी कि मैसेंजर चैट की आप लोगों को किसी अननोन चैट को हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट करिएगा, ठीक है।